आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार राष्ट्रीय आवाज से। आज मैं झाझा नगर पंचायत आ पहुंचा हूं, जहां नगर निकाय चुनाव होना तय हो गया है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते के साथ ही प्रत्याशी 1, 2, 3, 4 कर कुल अब तक में 20 लोगों का जमावड़ा यहां जम गया है। लोग किस तरीके से कौन से मुद्दे पर बात कर लोगों को रिझाने का काम करेंगे, जनता उन्हें किस तरीके से चुनेगी, उनका मुद्दा क्या होगा, कौन किसे हार और जीत का मजा चखाएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन कौन से दाव पेच को खेलकर आगे बढ़ेंगे, तो इसको लेकर के मैं आज आ पहुंचा हूं यहां के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास, जिन्हें अपनी पहचान के लिए किसी के पास कोई वक्तव्य रखने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें लोग बखूबी आज नहीं कई वर्षों से जान रहे हैं। उनकी छवि एक समाज सेवी के रूप में रही है, तो आइए उनसे जानेंगे क्या आखिर मुद्दा क्या होगा और क्यों आज ताल ठोक कर इस नगर निकाय चुनाव में वे उतरे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो प्रोपेगेंडा होगा, जो आपका आने वाला समय में नगर निकाय चुनाव को लेकर के मुद्दा होगा उसको रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम लक्ष्मण झा और मैं आपके चैनल का पहले स्वागत करते हैं। और इस बार चूंकि बिहार सरकार का निर्णय हुआ कि आम मतदाता चेयरमैन चुनेगा, 20 वर्षों से झाझा में नगर पंचायत था जो 5 आदमी के मुट्ठी में कैद था और 5 आदमी उसको बंदरबांट करके नगर पंचायत को मिल गया। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि इस बार आम मतदाता को वोट देना है तो मेरे जैसा व्यक्ति को निश्चित रूप से मैदान में आना चाहिए, और इसी सोच के साथ हम मैदान में आए हैं। और मैं 40 साल से जमुई जिला झाझा प्रखंड का सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं श्री रंजन झा के साथ रहा, श्री बाबू के साथ रहा, दिग्विजय बाबू के साथ रहा, नरेंद्र बाबू के साथ रहा, चंद्रशेखर बाबू के भी साथ रहे, त्रिपुरारी बाबू के साथ रहे। हमारा जो संस्कार है वो समाजवादियों का संस्कार है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। हमारा सबसे पहला सवाल है कि नगर निकाय चुनाव के उपरांत जो अध्यक्ष चुन कर आते हैं, अध्यक्ष इसे कहा जाता है, उनका क्या कार्य होता है? नगर निकाय का जो अध्यक्ष चुन करके आएगा उस और उसके अलावा उसके डिप्टी चेयरमैन भी होगा और 25 वार्ड हो गया, 25 वार्ड कमिश्नर होगा। हम चाहेंगे कि जो मेरा परिवार नया जीत करके आएगा, सारा परिवार को एक साथ मिल करके और झाझा को जितना सुंदर और झाझा को जितना सौंदर्यकरण बना सके और 2500 वार्ड को हम जितना सजा सके, ये मेरा भरपूर प्रयास। चेयरमैन का मुख्य काम क्या होता है? चेयरमैन का मुख्य काम है क्षेत्र में विकास करना। अच्छा, आज मुद्दों की अगर बात करें तो जितने भी उम्मीदवार फील्ड में आए हैं उन्हें सिर्फ 2 और 3 ही मुद्दा नजर आता है, बिजली, पानी और शिक्षा। क्या इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है? बहुत मुद्दा है, सब वार्ड का गली का सड़क खराब हो गया है, कहीं स्कूल का बिल्डिंग खराब हो गया है, स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, मास्टर बैठ करके समय बिताते हैं, तो अगर हमको झाझा के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो हम स्कूल को भी सुधारने का काम करेंगे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो या कॉलेज हो। उसके अलावा झाझा शहर को जिस चीज का कमी अभी महसूस होता है उन सारे बिंदुओं को हम पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी आपने कहा कि तमाम विद्यालयों, आंगनबाड़ी, इसका अलावा अन्य जो क्षेत्र है शिक्षा में, वहां पर शिक्षक सिर्फ बैठ करके अपना समय काट करके चले जाते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में वर्तमान की जो सरकार है वो दोषी है? देखिए, वर्तमान सरकार तो कुछ कुछ दोषी जरूर है, इसलिए कि सरकारी टीचर का जो बहाली हुआ है वो मार्च बेसिस पर बहाली कर दिया, और बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो आप लोग देखे होंगे कि डीएम अगर जाता है औचक निरीक्षण में तो अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं बता सकता है, तो हम लोग इसको सुधारने का। अच्छा, ये बता दें कि 5 सालों में जो नगर निकाय का चुनाव होगा, पूर्व में या फिर बाद में, उसकी एक मुश्त राशि क्या होगी जो पूरे 5 सालों में सरकार उन्हें खर्च करने के लिए देगी? देखिए, नगर पंचायत का बजट कितना किया है ये तो हमको ठीक से आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया,
लेकिन जब नया बोर्ड बनेगा तो उसमें आम बजट की बैठक होती है और उसमें हम लोग सब लोग मिल करके देख लेंगे कि कितना कितना किस वार्ड में आवश्यकता है और उन सारे चीज़ों को जोड़ करके हम लोग बजट पास करेंगे और बजट पास करने के बाद वरीय पदाधिकारी से लेकर के बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनसे हम जाकर के मिल करके खुद और फंड ला करके झाझा। अच्छा, एक बात बताएंगे, ये जो झाझा नगर है इसका क्राइटेरिया क्या है और इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो आपके वोटरों की लिस्ट में आते हैं? देखिए, हम तो सबको अपना वोटर मानते हैं, संख्या तो अभी नहीं बताया जा सकता है लेकिन इतना आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव अवश्य जीतेंगे। तो फिर आपको संख्या पता नहीं, क्राइटेरिया आप नहीं बता? देखिए, कोई ऐसा वार्ड नहीं, हमारा ये कहना है कि जो लोग जिस काम में माहिर होते हैं और जिस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनकी क्राइटेरिया उन्हें जरूर पता होता है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या उसे वहाँ पता होता है, पॉपुलेशन जी, और उसके बाद क्या है ना कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो काम क्या करेंगे, ये सारे चीज क्राइटेरिया उन्हें पता। और आप कह रहे हैं कि ऐसे हमें पता नहीं, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे लोग? अभी नगर निगम का जो अभी नगर परिषद का जो क्राइटेरिया आया है इसमें करीब करीब मैंने हमको लगता है कि 38,000 वोटर करीब यानी परिपूर्ण जानकारियां अभी चूंकि वोटर लिस्ट सब निकला नहीं है। अच्छा। लेकिन 38 से 40, 40 से ज्यादा नहीं। अच्छा। और 40,000 में हमको लगता है बहुत पोल हो जाए तो शहर का वोट है 70% हो जाए। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या हो, कहां से कहां तक क्राइटेरिया है आपका? वो पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप झपरी मोड़ जो पार करते हैं वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, वहां से लेकर के ये हथियापुर के नीचे उधर चला जाता है एक नंबर वार्ड बजलपुरा। अच्छा, कुल वार्ड की संख्या 25। एक बात ये बताते कि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है, आप उन्हें कैसे मात देंगे, कौन सा मुख्य उम्मीदवारों का किस तरीके से उन्हें चक्रव्यूह में फंसाने का काम? देखिए, उम्मीदवारों का संख्या हम मान के चलते हैं कि चेयरमैन में कम से कम 10-12 उम्मीदवार जरूर होगा। कोई जात के नाम पर वोट मांग रहा है तो कुछ के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई पैसा के नाम पैसा छीटने का प्रयास कर रहा है और हमारे जैसे आदमी जो है वो हम लोगों से आशीर्वाद देने के लिए जाता है और हमको अंदाज है कि हम 10,000 तक वोट। अच्छा, लोग जो खड़े हो रहे हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता का आशीर्वाद ना लेकर के वो कुर्सी का दावेदारी और आने वाले फंडिंग को देख करके जो है लोग लालच में आज हाथ पैर भी जोड़ रहे हैं कि भैया हमें एक बार तो जिता दो? एक बार आप जान लीजिए, जिसको 20 साल तक खून पीने का आदत लग गया है वो आदमी दूध से और पानी से संतुष्ट नहीं हो सकता, वैसा आदमी तो चुनाव मैदान में है। अच्छा, आपका बजट क्या होगा? मे भी अगर मानते हैं चुनाव में अगर आप खर्च करते हैं तो आपका बजट क्या होगा? 4 लाख से नीचे हम रख रहा, 4 लाख के नीचे सरकार दे रहा है, हमारा खर्चा 1-1.5 लाख का। अच्छा, एक आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए आज राजनीति में अपना कदम रख दिए हैं, तो क्या लगता है कि राजनीति में जो भी आप दाव पे चलेंगे उसकी काट दूसरे के पास नहीं होगी? काट होगी, काट तो सब लोग करेंगे, मैं भी उनका काट करूंगा, लेकिन हमको आम मतदाता पर पूरा विश्वास है और वो लोग हमको अपना चहेता समझ रहा है कि सुख दुख में 12 बजे रात में भी अगर इनको बुलाएंगे तो ये मेरे पास हाजिर रहेगा, कोई भी काम इनको कहेंगे तो उस काम को धड़ल्ले से DM SP या किसी भी वरीय पदाधिकारी से करा। अच्छा, एक बात बता देंगे, अभी जहाँ बैठे हुए हैं आप, ये कौन सी जगह आपका कौन सा कार्यस्थल है? ये मेरा सनफ्लावर एकेडमी स्कूल है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर और मतलब कि किसी भवन का या फिर कोई चीज का निर्माण हो रहा है? अभी उसकी तैयारी में सोच रहे हैं। क्या चीज की? एक विवाह भवन बनाने की कल्पना की है। विवाह भवन में कमरे कितने होंगे और कैसा कैसा होगा? कमरा 8-9 होगा। और उसका स्थिति क्या होगा, AC होगा? बहुत अच्छा होगा, 4 AC होगा। और उसका अगर मैं भी मान करके चलिए कि कोई आपके पास आ जाए और कहे कि सर हमें एक दिन के लिए चाहिए, उसका बजट क्या होगा, क्या रकम आप रखेंगे? देखिए, अभी बजट नहीं, आप तो सोच के तो रखेंगे कि हाँ भाई हम देंगे उनको। देखिए, बजट तो मेरा सोचा हुआ आपको नहीं, बजट सोचा हुआ है, लोग जानेंगे तो कम से कम चलिए आपको कुछ ना कुछ बजट ऐसे ऐसे हम लोग बजट रखे हैं। यहाँ पर जितना भी अभी धर्मशाला है सब का रेट ज्यादा है हमसे, हम 25,000 मान के चले हैं, लेकिन अगर कोई गरीब गुरबा अगर आएगा तो उसको हम मरव्वत करेंगे। क्या क्या मरव्वत आप करेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते? 10,000, 5,000, 20,000 छोड़ देंगे। चलिए, ये एक्चुअल अभी आप जो बोले 10,000, 15,000, 20,000, 20,000 छोड़ करके अगर 5,000 रुपये आपको देना वो पसंद करेंगे तो आप लेंगे? ले लेंगे, अगर वैसा वैसे कैटेगरी का आदमी दरमियान में अगर परेशानी आप करना शुरू करें तो परेशानी कभी एक बात सुन लीजिए,
नहीं, वो होता है ना, कहा जाता है ना कि जो सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में आते हैं तो पहले पहले जो जो जिस चीज में आएगा वो बहुत ज्यादा मतलब नहीं, तो आप, आपको मैं बता देता हूँ कि मैं पहले राजनीति में ही आया हूँ। 1973 से मेरा राजनीति शुरू हुआ जिसमें मेरा छात्र जीवन था, और 73 के बाद 74 का पूरा, 74 से लेकर 78 तक पूरा आंदोलन। अच्छा, आप ये बता दें कि चुनाव में मतलब कि चुनाव से पहले जो कुछ भी होगा सारी कोई स्थिति परिस्थितियां वो सारा चीज गमते हुए और उसके बाद जब आप नॉमिनेशन अपना कराएंगे उसके बाद क्या ऐसा भी लगेगा आपको कि भाई चलिए कहीं से कुछ फंडिंग हमको मिल रहा है या फिर कहीं से कोई दबाव हो रहा है तो अपना पैर पीछे खींच ले? एक बात समझ लीजिए, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जब हम नॉमिनेशन दे देंगे जो हमको कर सकते। यानी कुल मिलाकर के आपने गांठ बांध ली है एकदम बांध कि मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। नहीं है, ऐसे में अगर ये जनता आपको कहे कि बाबा एक काम कीजिए थोड़ा सा पीछे, जनता ही हमको खड़ा किया है। हम खड़ा होना नहीं चाहते थे लेकिन जनता ने ही कहा है कि बाबा आप नहीं, ये क्षमता है कि ये कोड़ को आप ही मिटा सकते हैं, जो 5 आदमी के चंगुल में है उसको आप ही तोड़ सकते हैं। और बिहार सरकार से अच्छा, क्या अब तक में कभी कहीं मतलब कि कोई 10 ऐसा गरीब आदमी जिसकी आप मदद किए हो और आपको मतलब कि वो कहा कि भैया अच्छा आदमी है? इस बार स्कूल में मैंने नर्सरी से लेकर 3 तक के बच्चों को कम से कम 50 बच्चों को फ्री किताब। वो तो सब जगह होता है। नहीं, तो सब जगह होता है। नहीं, फ्री किताब हम बांटे हैं। नहीं, हम किताब की बात नहीं कर रहे, हम ये कर और, रहे हैं। और वैसे क्या किसी गरीब आदमी को वैसा उठाने का काम किया? नहीं, जैसे आप मान लीजिए कोई गरीब कन्या का शादी हुआ। अच्छा, एक एक, एक उम्मीदवार बोला है कि भाई झाझा नगर पंचायत नगर पंचायत नहीं बल्कि पहले नरक पंचायत के रूप में जानी जाती थी। तो क्या नहीं, हमारा ये कहना है कि अपने जन्म स्थल को ही विवाद के तौर पर खड़ा करना और उसे गलत कहना क्या सही है? ये कहने की चीज नहीं है, लेकिन जिन्होंने कहा उसकी अपनी भाषा होती है और मेरी वो भाषा नहीं होती है। मैंने इतना ही कहूंगा कि 20 वर्ष तक जो हुआ है उस कोड को मैं खत्म करूंगा और नए सिरे से झाझा नगर परिषद को बढ़िया से और भ्रष्टाचार मुक्त करके चलाने का प्रयास। अच्छा, युवाओं को आगे आना चाहिए या फिर आप लोग इसे मजे में खिलाएंगे? देखिए, युवाओं को तो आगे आना चाहिए लेकिन उसके साथ अगर बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसको आइडिया कौन देगा? चुनाव जीत जाने के बाद क्या आपको लगेगा कि भाई मीडिया का सहयोग मिला और हम आगे आए? इसलिए कि जैसे चुनाव जीतेंगे तो लोग कहेंगे भाई हमने तो दंगल में बाजी मारी, खुद अपनी बदौलत जनता का हमको वोट किया। देखिए, हर मीडिया वाले का हम स्वागत करते हैं। आप सुने होंगे पूरे चाहे जम्मू का मीडिया हो या पूरे बिहार में जहाँ भी हम जाते हैं, हमको तो पूरा बिहार भी घूमने का मौका मिला और पूरा देश भी घूमने का मौका मिला। जब दिग्विजय और रेल मंत्री थे तो मैं यात्री सुविधा समिति रेल बोर्ड का। चलिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए कि आपने कहा कि अगर कोई गरीब गरुआ मेरे पास आ गया तो उसे 5,000 रुपया में फुल्ली दूंगा और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं भी मान के चले उस समय अगर हमारे पास किसी भी प्रकार से अगर कहीं कुछ आता है कि भाई बोल करके भी पीछे हट गए हैं तो क्या ऐसे में लगता है कि आपके विरोध में आपके बीच आपके पास ये शिकायत जाएगा ही? अगर उस तरह का गरीब जिसको कि हम जानते हैं राजा का एक एक आदमी को हम जानते हैं, अगर कोई उस तरह का निरीह गरीब अगर चाहेगा तो उसको हम 5,000 रुपया में दे देंगे और कुछ खर्चा भी कहेगा कि भैया सब लड़की शादी में दीजिए तो वो भी। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी चीज बताने के लिए। तो नगर निकाय चुनाव में हमारे बगल में जो बैठे हुए उम्मीदवार पद ने अपनी सारी चीजें बताई, उनमें उन्होंने साफ कर दिया कि मैं तो पहले राजनीतिक कार्यकर्ता था, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता हुआ हूं और आज हमारे भवन में ही विवाह भवन बनने की तैयारियां हो गई है। जो रकम मैंने मुहैया किया है, जो मैंने रकम रखी है, उस रकम से अगर आधा अगर एक हिस्सा भी अगर कोई गरीब परिवार देता है तो मैं उन्हें यह भवन एक दिन के लिए पूरे विवाह और विवाह के साथ में अगर मेरी मान के चलिए वो मांगता है कि भाई हमें कुछ खर्च चाहिए तो वो भी दे करके मैं उन्हें संतुष्ट करूंगा। सवाल उठता है कि अभी चुनाव परिपूर्ण हुआ नहीं लेकिन चुनाव से पहले ही गरीबों को अगर यह चीज मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो चुनाव से पहले आपके दामन में खुशियों का फूल बिखेरने का काम करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके नगर पंचायत को भी उस तरीके का बागीचा बनाने का काम करेंगे जहां पर हर एक रंगों के हर एक खुशबू के फूल खिलेंगे। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ।